हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मकर संक्रांति की स्पेशल तिल गुड़ की बर्फी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 250 ग्राम वाइट तिल लिए हैं। तिल को हम पैन में डालकर इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे 3-4 मिनट के लिए। एकदम लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे हम। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल कर इसे एकदम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब तिल एकदम ठंडे हो चुके हैं, इसमें से मैं थोड़े से तिल साइड पे निकाल रही हूँ। अब बाकी सारे तिल को हम ग्राइंडर में डालकर एकदम इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, इसे मैंने पीस लिया है, इसका दरदरा पाउडर तैयार हो गया है। अब हम एक पैन में 250 ग्राम मावा डाल देंगे। अब इसे हम लो फ्लेम पर पका लेंगे अच्छे से। ये देखिए, मावा एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें 250 ग्राम गुड़ डाल दूंगी। अब हम गुड़ को लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसमें मैं तिल का पाउडर डाल दूंगी जो हमने बनाया था, और ये बचे हुए तिल जो थे इसमें से भी हम डाल देंगे, बिल्कुल थोड़े से बचा लेंगे। इसमें आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैं काजू और पिस्ता डाल रही हूँ और थोड़ी सी इलायची डाल रही हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्सचर रेडी हो गया है, गैस को हम बंद कर देते हैं। अब मैं एक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें मैं बटर पेपर लगा देती हूँ। अब सारे मिक्सचर को हम इस टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इन मिक्सचर को हम अच्छे से फैला देंगे इसमें। अब इसके ऊपर थोड़े से मैं बचे हुए जो हमारे तिल थे वो मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ, और साथ में पिस्ता भी डाल दूँगी। अब इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब ये एकदम सेट हो गई हुई है। अब इसे हम निकाल कर इसे कट कर लेते हैं। इसे आप अपनी पसंद की कोई भी शेक में कट कर सकते हैं। अब ये तिल गुड़ बर्फी एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।